आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन। आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं वो है HCl, KCl, LiCl एंड CH3COH। यहाँ पे आप देख सकते हो जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, LiCl भी सॉल्ट है, और जो CH3COH है ये हमारा वीक एसिड है। ठीक है, स्क्वीज़ का ग्राफ इस तरह से आ रहा है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है ये मोलर कंडक्टिविटी और रूट ओवर कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ये ग्राफ बनता है, ये जो आपका ग्राफ है इसको बोलते हैं हम लोग डी बाय हकल। ठीक है, जो जो ग्राफ जो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डी बाय हकल इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होती है, डी बाय हकल इक्वेशन, ये हम लोग यूज़ करते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर्मूला बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है आपका फिर ए माइनस बी कैपिटल बी लेता हूँ रूट ओवर सी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका देखो तो ए कॉन्स्टेंट है, बी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया वाई मान लीजिए, ये हो गया माइनस एम एक्स, और ये हो गया आपके पास सी। तो ये आपको जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन, इस तरह का ग्राफ बनता है। ये वाला पार्ट आपके पास हो गया सी मतलब ए, स्लोप हो गया हमारा माइनस बी। ठीक है, अब ये आपको तीन के लिए दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है HCl के लिए, एक दिया है KCl के लिए, एक दिया है LiCl के लिए। बट CH3COH हमारा वीक है, वीक के लिए जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि वीक का जो डिसोसिएशन है वो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँगा उसके साथ बढ़ेगा, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी, वीक का डिसोसिएशन भी बढ़ता रहेगा, तो उसका जो चेंज आएगा मोलर कनेक्टिविटी में वो ज़्यादा चेंज आएगा स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में। स्ट्रॉन्ग का चेंज ऐसे आता है, वीक का चेंज ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ रीज़न यह है कि जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो वॉल्यूम कम करने से मोलरिटी हमारी कम होती है, मोलरिटी कम होने की वजह से जो मोलर कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है वॉल्यूम कम करने से, तीनों का बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए आप जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ मतलब डाइल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है डाइल्यूट करूँगा तो, और मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, सॉरी वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टिविटी सॉरी जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और कम होने पे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है 1000 × मोलरिटी डिवाइड बाय मोलरिटी। तो आप अगर यहाँ पे मोलरिटी कम करोगे तो ये हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इधर जाऊँगा तो मोलरिटी मेरी कम होगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, तो मैं वॉल्यूम बढ़ाऊँगा तो ये मोलरिटी क्या हो जाएगी मेरी कम हो जाएगी, उससे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो इतना अच्छे से नहीं बढ़ रहा है जितना वीक का बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीक के लिए दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो मोलरिटी कम हो ही रही है, दूसरा ये है कि इसका जो डिसोसिएशन है वो काफ़ी कम होता है अच्छी कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन जैसे डाइल्यूट करोगे इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ जो टूट रहा है वो डिसोसिएट हो रहा है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से ग्राफ थोड़ा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक के लिए नहीं है। वीक के लिए शुरू में कम होगा, उसके बाद फिर मतलब जो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे जाने पे, ठीक है बढ़ेगा, इनके एस्पेक्ट में अच्छा बढ़ेगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ग्राफ हमारा फिर ऐसे आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से कम होगा फिर CH3COH का, क्योंकि वीक है, चारों में यही दिया हुआ है, हमको CH3COH को देखना भी नहीं है, बट हम लोग काम कर रहे हैं अभी स्ट्रॉन्ग पे, और हमको ये चेक करना है कि किसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जो हमारा ग्राफ में ऊपर होगा उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, मान लीजिए एच प्लस है फिर KCl है उसके बाद LiCl है। ठीक है, तो अब यहाँ पे CLCl तो सेम ही है, डिफरेंस कहाँ पे, एच प्लस में है, के प्लस में, LiCl में, तो एच प्लस, के प्लस और Li प्लस, आपके पास तीन कैटायंस हैं एच प्लस, के प्लस और Li प्लस। पहले इन दोनों की बात कर लेता हूँ, Li प्लस छोटा है, ठीक है जब डालेंगे पानी के अंदर तो हाइड्रेशन उसका काफ़ी अच्छा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ठीक है इसकी हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी हो जाती है,
हाइड्रेशन अच्छे होने की वजह से ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि जो इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ा होता है इससे कि सॉरी काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से इसका इसका हाइड्रेशन अच्छा नहीं होता इतना इसके रेस्पेक्ट में, तो इस पर क्राउडिंग नहीं हो पाती है वाटर मोलिक्यूल्स की, उसकी वजह से क्या होगा ये फ्रीली मूव कर पाता है, तो इसकी कंडक्टिविटी इससे अच्छी होती है पहले तो ये, ठीक है। दूसरा ये है कि जो एच प्लस है ये एक्सेप्शनली ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि ये एक्चुअली वाटर का ही पार्ट है। एच प्लस जो होता है वो वाटर के साथ बना के रखता है H3O+, ठीक है, और एच बॉन्ड से जुड़ा होता है पूरे नेटवर्क में वाटर से। तो एच प्लस का ट्रांसफॉर जो एच प्लस का ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपका यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना होता है काफ़ी स्पीड से होता है इसका, ठीक है, छोटा है बट हाइड्रेशन जो होता है उसका H3+ में होता है, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि H3+ बनाएगा ये जुड़ा रहेगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल्स एच बॉन्डिंग के थ्रू, तो पूरा कनेक्टिविटी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो H+ है ये एक्सेप्शनली ज़्यादा कनेक्टिविटी दिखाता है सबसे, तो अगर आपके पास H+ अच्छा मिल रहा है तो कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी अच्छी हो जाएगी। तो H+ की कनेक्टिविटी K+ से अच्छी होगी, K+ की कनेक्टिविटी LiCl से अच्छी होगी, Li+ से अच्छी होगी। तो ये आपका HCl हो गया, ये आपका KCl हो गया, ये आपका LiCl हो गया, कनेक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास ये आने वाला है। तो अब हम ग्राफ चेक कर लेते हैं, तो ग्राफ में सबसे ऊपर कौन मिलेगा आपको, HCl मिलेगा, फिर KCl मिलेगा, फिर लास्ट में LiCl मिलेगा। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।